नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जेटीवी हलचल। सीधी बात, हमारे साथ हैं पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन। उनसे हमारे कई ऐसे सवाल हुए। सीधी बात में परिधि के साथ मीनाक्षी नटराजन की खास मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं आज की होस्ट और आपकी दोस्त परिधि भटनागर। आपका बहुत बहुत स्वागत जेटीवी हलचल में। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सांसद मीनाक्षी जी नटराजन। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल जेटीवी हलचल में, हमारा प्रोग्राम आज सीधी बात में। मीनाक्षी जी, चूँकि मैंने आज आपकी बायोग्राफी पढ़ी तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई आपकी बायोग्राफी। आप साइंस की स्टूडेंट रही हैं, आपने LLB किया है। मैंने MSc किया। अब ज़रूर ये सोचते हैं कि जो बदलाव की शुरुआत है वो हमेशा खुद से ही होती है, और वो अपने आप में इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है कि और कोई बदलाव के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राजनीति की शुरुआत उसी शौक के चलते हुई, और मुझ पर उसका मुझ पर बहुत गहरा असर था। मैं सोचती थी कि ये ही रास्ता मेरे लिए भी है, और आज भी मैं बहुत शिद्दत से मानती हूँ। और निश्चित उसमें बदलाव की पहली आवश्यकता आपके अपने भीतर के बदलाव से है, लेकिन वही फिर समाज के बीच काम करने का माध्यम बनता है। वैसे भी आपको देख के लगता है कि आप गांधीवादी विचारधाराओं से उतना ही लगता है कि ये बहुत साधना का मार्ग है, और आप को वो उनके जीवन का हर वाकया आपको चैलेंज करता है, आपके सामने एक नई चुनौती खड़ा करता है कि आप इस तरह के त्याग के लिए तैयार हो कि नहीं हो। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और एक ज़रूर कहना चाहूँगी कि गांधी जी का वैसे कोई वाद नहीं है जी, क्योंकि वो अपने आप को रोज गलत साबित करते थे। वो रोज कहते थे कि मैंने अगर आज सत्य ने एक नई रोशनी दिखाई है तो उसको मानूंगा, मेरी पिछली कई बात को सत्य मत मानिए, और किसी भी बात को पकड़ कर मत बैठिए। जी जी। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी महापुरुष इस भारत भूमि में हुए, गौतम बुद्ध हो या महावीर जैन हो या गुरु नानक देव हो, इन ये सब भी यही बात कहते थे कि हमारी किसी भी बात को अक्षर अक्षर मत मानिए, आप जी, उसका परीक्षण स्वयं कीजिए। ये हमारे अनुभव में हमने जो हासिल किया वो है। सो हम सब लोगों को ज़रूरत है कि हम रोज चीज़ों को परखें। बात करें आपकी, जब आप पहली बार सांसद बनी तो क्या एक्सपीरियंस था, क्या अनुभव था, क्या कैसा लगा आपको पहली बार सांसद बन के? तो सांसद कभी बनूंगी ये कभी मेरे इसमें नहीं था, सोचा नहीं था करने का, और होना भी चाहिए एक डेमोक्रेटिक संगठन। कभी कभी ऐसा सुनने को भी आता है कि किसी भी राजनीति में एक गॉडफादर किसी भी एक राजनीति के पीछे आपके गॉडफादर का ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे कई लोगों ने पूछा है, और इसलिए भी पूछा है कि इतने साल राजनीति में होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश स्तर पर किसी एक व्यक्ति या एक लीडर का नहीं कह सकते कि इनके साथ ही मैंने काम किया या इन्हीं से सिर्फ जुड़ाव के साथ काम किया, क्योंकि सभी सीनियर लीडर्स ने मुझे बराबर ही प्रोत्साहन भी दिया और मार्गदर्शन भी दिया। लेकिन मैं एज ए मेंटोर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन है, तो मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं दो लोगों का नाम लेना चाहूँगी। एक तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्टेम्प्ररी स्टडीज़ एक संगठन है, उसके जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर मोहन गोपाल, उन्होंने मुझे बहुत मेंटोर किया। वो UN में भी रहे हैं, वो नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर के वाइस प्रिंसिपल रहे हैं, और बहुत एमिनेंट लीगल पर्सन हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। और दूसरा, बिना किसी संदेह के मैं कह सकती हूँ कि राहुल जी से हम लोगों ने बहुत सीखा। इसलिए नहीं कि वो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि पार्टी में तो बहुत लोग अलग अलग पदों पर होते हैं, लेकिन जिस करुणा के साथ और जिस कंपैशन के साथ वो मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं, समाज और लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, उसने हम लोगों को बहुत सिखाया। अगर बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह,
तीनों में से सबसे अच्छे राजनीतिज्ञ कौन? मैं नहीं समझती हूँ कि हम इन तीनों का इस तरह का कंपैरिजन कर सकते, क्योंकि तीनों के पास अपना अपना स्ट्रेंथ है. दिग्विजय सिंह जी की 10 साल सरकार रही है. दिग्विजय सिंह जी ने पंचायतों और विकेंद्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण काम किया. भोपाल डिक्लेरेशन और दलित समाज के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए काम किया. कमलनाथ जी जिस तरह से और जिस शिद्दत से छिंदवाड़ा में इलाज के लिए या गरीबों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो भी हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है. और ज्योतिरादित्य सिंधिया न केवल गुना क्षेत्र से सांसद हैं, बल्कि जिस तरह से वो अक्रॉस इनफैक्ट पार्टी लाइंस को नए नौजवान लोगों को प्रेरित करते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. मैं नहीं समझती हूँ कि इन तीनों के जो क्वालिटीज़ हैं वो ऐसे हैं कि इनको हम ग्रेड कर सकें. तीनों में अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ हैं, पर मुझे लगता है कि तीनों की बराबर से आवश्यकता है और तीनों का योगदान होगा हमारे पार्टी के स्ट्रेंथनिंग करने. तो क्या भविष्य में हम तीनों को एक ही मंच पर देख सकते हैं? मैं तो ये मानती हूँ कि भविष्य में ही नहीं, हम अभी भी अनेक अवसर पर तीनों को एक मंच पर देखते हैं. लेकिन ये भी सही बात है कि कई बार इतनी व्यस्तताएं सबकी होती हैं और अपनी अपना काम दूसरा भी होता है, तो शायद संभव नहीं हो पाता होगा. और हम लोगों की फिर एक आदत ये हो जाती है कि अगर किसी बात को लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज हों, तो हम उसके पीछे कुछ डिजाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लाइंस के बीच में पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो वो उचित नहीं, वो सबका अपना अपना एक तरीका है काम करने. अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण, तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के लिए, और कांग्रेस कहाँ तक सफल रही है इस विषय? इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और अच्छा किया आपने ये सवाल मुझसे पूछा. सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के ही वजह से हिंदू कोड बिल पारित हो सका, जिसकी वजह से बच्चियों को, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार मिला, पुनर्विवाह का अधिकार मिला, और उसके अलावा उनको डिवोर्स का अधिकार मिला और बराबरी का अधिकार मिला. ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था. दूसरी बात ये कि जिन मुल्कों में लोकतंत्र हमसे कई हज़ार साल पहले आया, उन मुल्कों में भी लोकतंत्र स्थापना के 200 साल तक भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था. हमारे देश में महिलाओं को न केवल वोट डालने का अधिकार मिला, बल्कि जनप्रतिनिधित्व का अधिकार भी हमें मिला. दूसरी बात, जो तीसरी बात मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, कि जब 73वां 74वां संविधान संशोधन पास हो, तो लोकल बॉडीज में पहले हमने महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया, जो अब अनेक राज्यों में 50% आरक्षण हुआ. और सोनिया जी वो प्रमुख नेता रही हैं जिन्होंने कि महिला आरक्षण की विधानसभा और लोकसभा में भी प्रमुखता से बात भी उठाई है और उसकी लगातार अगुवाई करती है. जब महिला सशक्तिकरण की बात हुई है, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगी. बरखा केस आपको पता होगा, बट फिर भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि जब दिल्ली की बरखा ने कांग्रेस के जो बड़े नेता अजय माकन पर आरोप लगाया था और उनकी शिकायत सोनिया गांधी जी से करी, राहुल जी से करी, और उनकी कोई बात को सुना नहीं गया, उनसे मिला नहीं गया, तो जहाँ एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, जहाँ एक तरफ कांग्रेस महिलाओं को आगे बढ़ाने की बातें करती है, वहाँ प्रदेश स्तरीय महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये कहाँ करना है? पहले तो मैं इस बात से सहमति नहीं रखती हूँ कि अगर कोई प्रदेश स्तर की महिला कार्यकर्ता रही होंगी और उन्होंने समय मांगा होगा तो उन्हें समय नहीं मिला होगा, क्योंकि मैंने इतने वर्षों तक उन्हीं सर्कल्स में काम किया है. 1999 से लगातार मैं किसी न किसी संगठन को लीड करती रही. ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोगों ने समय मांगा हो और हमें समय न मिला हो, या संगठन में किसी भी तरह से संवेदनशीलता नहीं रही हो इन मुद्दों को लेकर. इस बात पर मैं बिल्कुल सहमत नहीं. जब हम किसी संगठन का त्याग करके जाते हैं, जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी जिसका कि हम समझते हैं कि हम हकदार हैं और हमें वो नहीं मिलता, तब कई बातें बहुत सारे आक्रोश में कही जाती हैं. और मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार तो एक कैबिनेट मिनिस्टर ने, बहुत सीनियर रैंक की कैबिनेट मिनिस्टर ने इसी तरह की बात की कि मुझे समय नहीं मिला. तो वो कैबिनेट मिनिस्टर कैसे होंगे, हो ही नहीं सकता. एनडीए यूपीए की जो चेयरपर्सन होंगी
और जो कैबिनेट की मीटिंग होती होगी उसमें तो हर कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट मिनिस्टर का होना लाजमी है, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती। और दूसरी जो बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि एक और हम लोगों की आदत हो गई है कि अगर कोई महिलाओं के महिला होते हुए हम कोई बात कहते हैं तो फिर हम कई बार वो बात कहते हैं जो कि हमको तो लगता है कि बहुत जस्टिफाइबल है, लेकिन हम फिर उसमें किसी दूसरे पार्टी का पक्ष जाने बगैर अगर हम सबको एक ही ब्रश से पेंट करें उसको मैं उचित नहीं समझती। अजय माकन जी के पास भी एक पक्ष होगा, तो निश्चित तौर पर हमको उस पक्ष को भी सुनने की आवश्यकता है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि कांग्रेस की लीडरशिप संवेदन शून्यता के साथ काम करती है। अब जब राहुल गांधी जी की बात हो ही रही है तो मैं पूछना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता मुख्यमंत्रियों ने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री जी से मिलना आसान है पर राहुल गांधी जी से मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं इससे बिल्कुल मेरी सहमति नहीं है। अनेक अवसर पर यहाँ तक कि राहुल जी से मिलना तो इसलिए बहुत आसान है कि क्योंकि एक तो वो पार्लियामेंट में हमेशा ही अवेलेबल हैं, जब सेंट्रल हॉल में होते हैं तो सभी वहाँ पर उनसे मिल सकते हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या एक्सएमपीज एमपीज तो उनसे मिल ही सकते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि मान लीजिए कि आज आप उनसे मुलाकात कर चुके हैं और फिर किसी दीगर विषय पर वो किसी और से चर्चा कर रहे हो तो उस दिन आपको समय न मिला हो, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि उनके पास समय की अनुपलब्धता है। जो व्यक्ति लगातार यहाँ तक कि बड़ी छोटी घटनाओं पर भी स्टूडेंट कैंपस में अवेलेबल हो जाता है वो क्यों चीफ मिनिस्टर टाइप लोगों के लिए समय नहीं देगा? यानी कि आप जानते हैं कि रोहित वेमुला का वो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी घटना हुई और वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ पर तब तक उस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं गए थे, उसके पहले राहुल जी चले गए थे। वेदांता कंपनी के खिलाफ नियामगिरी के ट्राइबल्स जब लड़ाई लड़ रहे थे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से पहले राहुल गांधी चले जाते हैं। जेएनयू में जो घटना हो रही थी तो वहाँ पर सीताराम येचुरी और अरविंद केजरीवाल राहुल जी के पहुँचने के बाद पहुँचते हैं, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि उनके पास समय नहीं है। ये ज़रूर लेकिन सही बात है कि जब आप एक सीनियर पोजिशन में होते हो तो आपको सबको समय देना होता है और कभी कभी वो मुनासिब नहीं हो पाता। तो आज अगर मैं मनासा हूँ तो मंदसौर में तो नहीं हूँ। राहुल गांधी जी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कांग्रेस के निर्विवाद नेता और उपाध्यक्ष होते हुए भी वो सारा डिसीजन उन्हीं के हाथों में होता है, तो फिर उन्हें अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा रहा? उसकी एक क्योंकि प्रक्रिया है, आप जानते हैं कि हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन है उस इलेक्शन कमीशन के द्वारा सभी राजनीतिक संगठनों में आंतरिक चुनाव की एक प्रक्रिया की गई है और उसी के आधार पर उन दलों को मान्यता दी जाती है। और अभी क्योंकि वो इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, वो मेंबरशिप के स्टेज में है, तो जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही अध्यक्ष तक का मतलब पार्टी के AICC अध्यक्ष से लेकर के और ब्लॉक अध्यक्ष तक का जो प्रक्रिया है चयन की या नामांकन की वो उसी प्रक्रिया से। जब हम बात करते हैं कि कोई भी ओपोजिशन पार्टी, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ, लाइक कांग्रेस जीती है या BJP जीतती है, कांग्रेस जीती है कांग्रेस ने कुछ विचारधाराएं लाई या BJP जीती विचारधाराएं लाई, कोई आम जनता के लिए कोई अच्छी स्कीम्स लेके आती है, योजनाएं लेके आती है, हमेशा यही देखने को मिलता है कि ओपोजिशन उसका विरोध करता है जबकि वो होती आम जनता के हित के लिए, ऐसा क्यों? तो मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि देश में दो तरह की धाराएं हैं राजनीति की। एक धारा वही है जो आप कह रही हैं कि जहाँ पर कि केवल इसलिए कि वो एक पार्टी लेकर आई है और वो सत्तारूढ़ है तो हम उसका विरोध करें। तो उदाहरण के लिए जब कांग्रेस ने आधार कार्ड की बात की UPA सरकार ने तो BJP ने उसको अपोज किया, कांग्रेस जब FDI लेकर आई और केवल रिटेल चीज़ों में तो BJP ने उसका अपोज किया, कांग्रेस जब GST लेकर आई तो BJP ने उसका अपोज किया, कांग्रेस जब भूमि अधिग्रहण लेकर आई तो राजनाथ सिंह जी ने ही उस डिबेट को इनिशिएट किया था और कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि मैंने ही उस डिबेट में हिस्सा लिया मैं जानती हूँ, उन्होंने कहा था कि हमको तो मौका मिलेगा तो हम इससे अच्छा कानून लेकर आएंगे, राइट? एंड फाइनली जब सरकार बदली तो आज आधार कार्ड उनको लगता है कि हर योजना के लिए आवश्यक है,
FDI हम तो डिफेंस में लाए भी नहीं थे, वो डिफेंस में भी लाना चाहते हैं, जो हमें आज लगता है कि डेंजरस आइडिया होगा डिफेंस में लेकर आना। GST जिसको कि वो बिल्कुल नहीं लाना चाहते थे, आज वो लाए हैं, एंड वी एंड आर लीडर एंड आर पार्टी आर सपोर्टिंग देम विद सम अमेंडमेंट्स ऑफ कोर्स, बट वी आर सपोर्टिंग देम। लैंड एक्विजिशन पे अब वो पलट गए हैं अपनी बात से, वो अब कहते हैं कि उसकी तो आवश्यकता भी नहीं है। बट राजनीति के ये धारा का जो दो धाराएं हैं उनमें ये तरीकों का अंतर है। हमने हमेशा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले किया, और मैं नहीं कहूंगी कि उनकी पार्टी में कभी किसी ने भी ऐसा नहीं किया। अटल जी ने जब बांग्लादेश युद्ध हुआ तो उन्होंने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार न केवल कहा बल्कि सपोर्ट किया, और ऐसे अनेक मसले रहे हैं जब लोगों ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर विदेश नीति और सीमा पार जो हमारे सुरक्षा के लिए करना है उसमें एकजुटता दिखाई है। लेकिन पहली बार मैं राजनीति का वो स्तर देख रही हूँ जबकि देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरों में भी बाहर जाकर के और उस तरह की भाषा शैली का उपयोग करते हैं जो हम चुनाव प्रचार के दौरान भी करते हुए सोचेंगे एक बार को। एंड आई रिमेम्बर जब मैं 2009 का चुनाव लड़ रही थी, स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, बहुत बड़े नेता थे, कई बार के सांसद थे, पूरे चुनाव में गरिमा इसलिए बनी रही क्योंकि उन्होंने उस गरिमा को बनाया रखा, क्योंकि उन्होंने एक क्षण के लिए भी उस लड़ाई को व्यक्तिगत और उस पर आक्षेप और प्रत्याक्षेप और इस पर नहीं केंद्रित किया, तो इसलिए वो चुनाव का स्तर बना रहा, वो गरिमा बनी रही। हमें भी हिम्मत नहीं थी कि हम उनके टॉल व्यक्तित्व के आगे कोई बात कहें, और कभी कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस तरह के मूल्य अब केंद्रीय जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के उसमें बहुत उसमें कमी आई, और कहीं ना कहीं उसको सुधार करना बहुत जरूरी है। और अगर बात करें नोटबंदी को लेकर, जहाँ पे आम जनता ने उसको स्वीकार किया, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, पार्टी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो बात की जो आम लोगों के एक बड़े सेक्शन ने कहा। मैं पिछले महीने छत्तीसगढ़ और झारखंड के बहुत सुदूर इलाकों में थी जहाँ पर कि कुछ लोगों की तो सालाना आए 6-7 हज़ार रुपये, और अगर आप उनके हालात को नोटबंदी के बाद जाकर सुनते तो उनकी स्थिति ये थी कि अब दूर दूर तक कहीं कोई बैंक है नहीं, वो अपने नोट की अदला बदली करें कैसे, और उनके और उनकी तो स्थिति ये है कि अगर वो एक दिन दो दिन के लिए भी शहर जाते हैं बैंकों में जाते हैं, एक बड़ा वर्ग आबादी का ऐसा है जिसके पास बैंक का एक्सेस ही नहीं है। तो दिल्ली में जो लोग ये पन्नी भिनने का काम करते हैं उन जैसे लोगों के पास तो बैंक का कोई खाता ही नहीं है, तो क्या उस तरह के वॉइसलेस लोगों की जो कि आज सिस्टम में पहचाना तक नहीं जा रहा है, क्या उसकी आवाज़ उठाना गलत है? क्या एक राजनीतिक दल होने के नाते और एक लोकतंत्र में आप उनकी आवाज़ को पार्लियामेंट में नहीं लेकर आओगे? तो वो हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर कांग्रेस ने ये कहा होता कि हम भ्रष्टाचार के मामले में आपके साथ नहीं है, भ्रष्टाचार को रोकने के मामले में, तो वो गलत होता। लेकिन मनमोहन सिंह जी का राज्यसभा में भाषण है, राहुल जी का भाषण है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भाषण है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा कि आपका ये जो इंटेंट है भ्रष्टाचार रोकना उसमें हम आपके साथ शत प्रतिशत साथ हैं। लेकिन अगर आप उसको नोटबंदी से जोड़ना चाहते हैं जिसमें कि बहुत से लोग बीमार थे, उनके पास उस समय कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, किसान थे उनके पास कोई एक्सेस नहीं था, बहुत अत्यंत गरीब लोग थे जिनके पास कोई एक्सेस नहीं था, उनको उनकी लाचारी को अगर हम बयान करते हैं और सरकार को कहते हैं कि कोई भी क्रियान्वयन करने से पहले इन सब की जब तक व्यवस्था नहीं सुनिश्चित की जाती ये काम नहीं होना चाहिए था, तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये ऑपोजिशन के लिए ऑपोजिशन है। ये ऑपोजिशन का काम है कि हम जो सिस्टम के जो फेल्योर्स हैं या सिस्टम का जो दूसरा पक्ष है उसको सामने लेकर के आए, जो काम मीडिया भी करता है। अनेक चैनल्स ने उस दौरान, मुझे याद है कि जो लोग ठेले लगाकर काम करते हैं, छोटे स्ट्रीट हॉकर्स हैं, उनकी जो समस्याएं आई नोटबंदी के दौरान उन्होंने उसको हाईलाइट किया, और करना भी चाहिए, तभी तो आखिर सरकार को भी समझ में आएगा कि उन्हें किन चीज़ों का संज्ञान लेना। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नोटबंदी का डिसीजन सही था बट एग्जीक्यूशन गलत था। मैं उसको दूसरे तरीके से देखती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि नोटबंदी से बहुत पहले जिस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता थी वो नहीं उठाए गए। पहले तो आपके पास नोटबंदी जैसे बड़े कदम की कोई तैयारी नहीं थी। जब आपके पास उसकी तैयारी नहीं होगी
तो लोग आकर कतारों में खड़े ही रहेंगे और उनका पूरा पूरा दिन नष्ट होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर हमको भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना है, जिसके लिए कि नोटबंदी को आपने एक आवश्यक कदम बताया, उसके बहुत पहले इलेक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो फाइनेंसेस हैं उसमें पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाने होंगे। और फिर एक तरफ हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम नोटबंदी की बात करते हैं, फिर जो लोग डिफॉल्टर्स हैं उनको हम आराम से विदेश जाने देते हैं, सो तब फिर जाकर के क्वेश्चन लगता है कि ये आखिर हम करना क्या चाहते हैं, ये कोई गिमिक है या हम रियल टाइम में उस बात को लेकर के सीरियस हैं। अगर पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो पार्टीज छोड़ रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली में बात हुई, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा अध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष, इन सब ने पार्टीज छोड़ी और सब बीजेपी में ही गए, ऐसा क्यों? मैं ये कह सकती हूँ कि एक वर्ग होता है जिसको कि हमेशा सत्ता रूढ़ दल के प्रति उनका आकर्षण होता है, और ये देखने में आया है कि ऐसा हुआ है। और फिर एक हम लोगों की आदत होती है कि जो जाहिर है कि जो जिस पोजीशन में रहकर जो बड़ा नाम कमा लेते हैं, जब वो एग्जिट करते हैं तो हमें वो याद रहता है। हमें ये याद नहीं रहा कि नवजोत सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन किया और आज MLA बन गए हैं और मिनिस्टर हैं, परगट सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन किया और आज बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीत कर आए। आज मनासा में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आए थे वो IAS ऑफिसर रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है इन्हीं समय में, ऑफ कोर्स वो BJP से या अन्य दलों से नहीं थे, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर कि लोगों ने कांग्रेस को भी एज एन ऑप्शन ऑप्ट किया है और ज्वाइन किया। अगर हम बात करें आतंकवाद की, ऐसा हमेशा कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हर आतंकी मुस्लिम नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पर जब बात करें हम हिंदुओं की, जब हिंदुओं द्वारा कोई छोटी मोटी घटनाएं होती है तो उसे भगवा आतंकवाद कहा जाता है, ऐसा क्यों? भगवा आतंकवाद शब्द का उपयोग कांग्रेस ने कभी नहीं किया, क्योंकि भगवा हमारे देश का पवित्र कलर है और कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब हम इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं तो वो भी इस्लाम का बहुत बड़ा अपना है। इस्लाम रूहानी जिहाद की बात करती है, अपने रूह में जितनी भी बुराई की ताकतें हैं उससे लड़ने की बात करती है, और इस्लाम कभी इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं देती कि हम अपने मतलब के लिए या अपने स्वार्थ के लिए किसी और की जान लें। जब हम टेररिज्म की बात करते हैं तो टेररिस्ट वही हो सकते हैं जिनका मानवता में कोई विश्वास नहीं, तो फिर जब मानवता में ही विश्वास नहीं है तो किसी भी धार्मिक फलसफे में विश्वास होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो किसी भी आतंकवादियों को मैं इसके पहले एक शो में थी दिल्ली में, मैंने कहा कि हाथ जोड़कर फॉर गॉड से प्लीज डोंट ग्लोरीफाई देम एज हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, दे आर नॉट। अगर वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते तो वो आतंक का रास्ता नहीं चुनते, वो करुणा का और प्यार का रास्ता चुनते। दूसरी बात, ये जो हमने एक परसेप्शन बनाया है कि मुस्लिम समाज आतंक से जुड़ा है, तो एक कम्युनिटी को उस तरह से टारगेट करना इसलिए उचित नहीं है कि एक नाथुराम गोडसे ने गांधी की हत्या की तो क्या सब लोग गलत हैं, या क्या सारे गोडसे सरनेम वाले गलत हो जाएंगे, या चंद सिखों के द्वारा इंदिरा जी की हत्या हो गई तो क्या सब लोग क्वेश्चन मार्क में आ जाएंगे, क्या एक परेश बरुआ ने वहाँ पे असम में वहाँ पर उल्फा उग्रवाद को पैदा किया तो क्या सभी असम के लोग वो हो जाएंगे, या फिर जिन लोगों ने लिट्टे के लोगों ने राजीव जी के हत्याकांड में जो लोग शामिल थे तो क्या सारे श्रीलंकन्स या तमिलियंस उस क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो मैं नहीं समझती हूँ कि आतंक को हम किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा या मजहब से जोड़कर हमें देखना चाहिए। जिनका इन सब में विश्वास होता वो ये रास्ता अपनाते हैं। अगर बात करें गोवा मणिपुर की, वहाँ पे कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभर करे फिर भी सरकार नहीं बन पाई, ऐसा क्यों? हम सब जानते हैं किन तरीकों का इस्तेमाल इन दोनों राज्यों में हुआ। सबसे पहले तो यही अपने आप में क्वेश्चनेबल है कि स्टेट की गवर्नर होते हुए जिनको कि हम
अनबायास्ड, जिनसे हम उम्मीद करते हैं, निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आमंत्रित करने के बजाय दूसरे दलों को आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के लिए। ये अपने आप में जो कन्वेंशन है, जो प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ है। आज तक किसी भी स्टेट में अगर कोई पार्टी सिंगल लार्जेस्ट होती है, वो अपने फ्लोर टेस्ट में हारने के बाद आप दूसरे दल को मौका दे सकते हो, मगर फ्लोर टेस्ट की तो मौका ही नहीं दिया गया। तो ये अपने आप में लोगों के सामने प्रस्तुत घटना है कि लोग तय करें, लोग से बड़ा जज कोई नहीं होता। वो देखें कि किस तरह से सत्ता में रहने का दुरुपयोग होता है और किस तरह से उसको मैनिपुलेट करने का प्रयास किया जाए। और अगर बात करें यूपी सरकार, यूपी में सपा सरकार के साथ जो डूबती हुई सरकार, उसके साथ गठबंधन किस हद तक सही है? मैं क्योंकि यूपी की कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैंने यूपी के चुनाव के दौरान इस बार, पिछले चुनाव में मेरा जरूर रोल था, इस बार मेरी वहाँ कोई भूमिका नहीं थी। आप भी जानते हैं कि जब कोई गठबंधन सफल होता है तो हमें लगता है कि वो बेस्ट फैसला था, जैसे बिहार के केस में सबको लगा कि अच्छा फैसला है। जब फैसले होते हैं तो अनेक कंसिडरेशंस को देख कर होते हैं। निश्चित तौर पर यूपी में हम बहुत कमज़ोर हुए हैं एज अ कांग्रेस पार्टी, अपनी बात करूँगी, समाजवादी पार्टी की बात तो नहीं करूँगी, लेकिन हम बहुत कमज़ोर हुए हैं और आने वाले समय में हमें अपने दम पर और अपने बल पर खुद को फिर से खड़ा करने की आवश्यकता है, जिस पर मैं समझती हूँ कि हमारा नेतृत्व भी ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आ गए? इसका जवाब आजकल सब जगह मिलने लगा है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। पहले कहा गया था कि घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता होगा जी। और जब कांग्रेस ने कुछ सब्सिडी कम की थी तो उसका बड़ा प्रचार हुआ था, फिर 15 करोड़ रुपए जमा कराने की बात हुई, फिर किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात हुई, फिर आदिवासी वर्ग को न्याय देने की बात हुई, तो पता चला कि वनोपज पर जो समर्थन मूल्य कांग्रेस ने तय किया था उसको कम कर दिया गया, तो रोजगार की बात हुई, आज भी बेरोजगारी अपने चरम पर है। तो उसमें मैं गलती मोदी जी की नहीं मानती, मैं ये मानती हूँ कि अगर एक व्यक्ति ये समझ ले कि उसी के बस की है कि वो पूरे देश के 120 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल बदल सकता है, तो पहले तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है। वो इस देश के 100 करोड़ लोगों का अपमान भी है कि हमने तय कर लिया कि 100 करोड़ लोगों में कोई हुनर नहीं है, जो कुछ है मेरे पास है और बस मैं ही क्षमतावान हूँ अकेला। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और इसके पहले के नेतृत्वकर्ताओं के पास, जब भारत गरीब भी था, भारत का जीडीपी भी इतना नहीं था, तो उनके पास 56 इंच का सीना नहीं था, लेकिन मन में बहुत जगह थी, जो आज कहीं ना कहीं सिकुड़ती हुई दिखती है, वो ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है। प्रॉब्लम ये है कि इनका जो उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो इनकी प्राथमिकताएँ हैं, वो गलत हैं। सो इनका पूरा फोकस बुलेट ट्रेन पे है, स्मार्ट सिटी पे है, फ्लाईओवर पे है, इस बात पर फोकस नहीं है कि झारखंड के चाईबासा में आदिवासी को न्याय कैसे मिलेगा, आप उसको इस लोकतंत्र का साझेदार कैसे बनाओगे, कैसे उसको हर्ट किए बगैर जो उसकी जीवन शैली है उसके साथ उसे अपनाओगे, और कैसे देश के सभी वर्गों को शामिल करके उनके साथ एक जो कहते हैं कि मानव विकास सूचकांक जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि सभी लोगों की बराबर की साझेदारी किसी देश में होती है, नीति विषय मामलों में होती है, उसको सुनिश्चित करेंगे। तो वो इनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो अलग हैं, और वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो चुनिंदा ताकतवर लोगों को और ताकत देने में है। तो अडानी को कैसे सरकारी बैंकों से ज़्यादा लोन मिल जाए अगर प्रायोरिटी बन जाए, तो फिर आपको किसानों को कर्जा माफ़ करते समय तो आप कई बार सोचोगे, लेकिन ये आप करोगे? अभी दलहन के किसान लगातार परेशान हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा में भी ये मसला उठाया, क्योंकि इतना कुछ निर्यात कर लिया है, आयात कर लिया है, कि दाम लगातार गिर रहे हैं। तो अच्छे दिन का फैसला 2019 में होगा। आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि जब नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी, मनमोहन सिंह जी करीबन 47 साल तक प्रधानमंत्री
आपकी सरकार रही है ऑलमोस्ट 27 ईयर, तो तब उन 47 सालों में अच्छे दिन नहीं आए, तो अभी तो 3 साल ही हुए मोदी सरकार को, तो क्या लगता है आपको? पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर हम ये कहते हैं कि पिछले 60 साल में लोगों को कुछ नहीं मिला या अच्छे दिन नहीं आए, तो अच्छी तरह से याद है मुझे कि 1947 में जहाँ पर 30% लोग साक्षर होते थे, वहाँ पर आज 74% लोग साक्षर हैं। ये 3 साल में नहीं हुआ, 74 साल में हुआ। पिछले 60 साल में ही हुआ कि हमने सफल परमाणु परीक्षण किया, इंदिरा जी के द्वारा पोखरण में हुआ, हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हमने लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूजन की ओर जोड़ा, आर्थिक रूप से लोगों का समावेश किया, हमारी जो आर्थिक विकास की दर करीब 2-3% थी वो बढ़कर 8% हुई, और उन्हीं दौरान की बात है कि हमने IITs और IIMs कायम किए कि आज जो हमारे नौजवान हैं वो सिलिकॉन वैली में अपना लोहा मनवाते हैं। सो ये सब 47 वर्षों में हुआ, ये बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा, लेकिन एक राष्ट्र में जहाँ पर कि आप 1947 में नेगेटिव से शुरू करते हो, जहाँ पर आपके बच्चे छोटी छोटी बीमारियों से ख़त्म हो जाते थे अनफॉर्चुनेटली, वो आपने उसको ठीक करने का प्रयास किया, और जो नेशन का जो प्रोसेस होता है वो लगातार एक चलने वाली प्रक्रिया होती है, वो एक दिन में नहीं होता, एक व्यक्ति के जीवन में 60-70 साल बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन नवराष्ट्र के लिए तो उसकी राष्ट्र की तरुणा ही 60-70 साल में शुरू होती है। एंड मुझे तो इस देश के 100 करोड़ लोगों पर पूरा विश्वास है, अच्छे दिन वही 100 करोड़ लोग लेकर आने के लिए रोज मेहनत करते हैं, उसमें न तो मनमोहन सिंह जी अकेले कुछ कर सकते हैं, न नेहरू जी और न इंदिरा जी या राजीव जी, वो इस देश के 100 करोड़ लोगों का साथ दे सकते हैं और देते रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि इस देश की जो समृद्ध और सेक्युलर नेतृत्व की परंपरा रही है, जो समतावादी नेतृत्व परंपरा रही है, वो आने वाले समय में भी साथ देगा। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं केवल इतना ही कह सकती हूँ कि दर्शकों को केवल आपके चैनल के जरिए धन्यवाद कर सकती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सीखने समझने का मौका दिया, और आने वाले समय में मेरा हमेशा प्रयास होगा कि जो कुछ भी मैं मेरे स्तर पर कर सकती हूँ वो मैं निरंतर करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने आपका अमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सो मच जी। ये थी नीमच मंसूर जिले की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।